गैदरिंग आप सबका स्वागत है जी, जो ज्वाइन किए हैं यूट्यूब पर हमारे साथ ऑड टाइमिंग्स फॉर इंडिया। लेकिन अब यहाँ आए हैं, बहुत सुंदर वेदर है यहाँ इस समय और बहुत प्यारे प्यारे लोग। टोरंटो में इस समय हम छोटी सी एक क्लास कर रहे हैं, पीछे म्यूजिक चल रहा है, धूमधाम चल रही है, हर किस्म का मज़ा है, ये एक अलग मज़ा है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है हमने यहाँ पर, कोई प्रश्न किसी के पास जैसे हो वो करते हैं, बाकी हम यूट्यूब से प्रश्न ले लेंगे किसी के अपने हुए तो। ज़िंदगी में शुरुआत एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, हमसे शुरुआत नहीं होती क्योंकि हम में इतना बड़ा ब्लॉकेज है हेजिटेशन का। आप कहीं बाहर जाते हैं ना, बात करनी किसी से होती नहीं, वो एक चालू भाषा में शब्द कहते हैं कि दो दोस्तों ने जगह देखा, एक बड़ी सुंदर लड़की जा रही है, तो एक दोस्त ने दूसरे को कहा यार कितनी सुंदर है। बोले पता है यार सुंदर है, मैं तो बस कह रहा हूँ तेरी भाभी बना दूंगा। बोले तो फिर बोल के आना। बोले यार तू बोल के आ। तो बोला नहीं जाता, शुरुआत नहीं होती। जब शुरुआत कर लेता है दूसरा दोस्त, जो अपने दोस्त की सिफारिश के लिए गया, पता लगा वही ब्याह के ले गया। इसलिए शुरुआत का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, शेर शुरुआत करता है। तो ये मान के जब समझ के चलिए कि आपके अंदर इतने प्रश्न कुल बुला रहे हैं जो आप करने से हिचकेंगे, ये शुरुआती नेचर है। आप डांस फ्लोर पे देखेंगे बहुत सारे लड़के लड़कियां नाच रहे, डीजे ने धूम मचा रखी है और दो बंदे साइड में खड़े होकर बस ठुमका लगा रहे, उनसे बैठा नहीं जा रहा, नाचा नहीं जा रहा, क्योंकि कोई तो मुझे घसीट के ले जाए, नाचना तो मैंने है लेकिन शुरुआत कौन करे, शुरुआत नहीं होती। पति पत्नी के झगड़ों में ये बहुत बड़ी समस्या होती है, मुंह बना के बैठे झगड़े, शुरुआत करे कौन, कोई शुरुआत कर दे बात क्लियर हो गई, खत्म हो गई। क्या प्रारब्ध को चेंज कर सकते हैं? प्रश्न है जी, प्रारब्ध को क्या हम चेंज कर सकते हैं? प्रारब्ध ये समझ लीजिए एक ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से हम यहाँ हैं। सारा दिन भर में आप देखेंगे बहुत बहुत से ऐसे काम है जो सारा दिन हम कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। अपनी जिंदगी में 20 साल में, पिछले 10 साल में आपने सोचा हो तो शायद 10 सपने पूरे होंगे। बाकी बहुत सी ऐसी चीजें हुई है गुड जो हमने सोची नहीं थी, बहुत सी ऐसी चीजें हुई है बैड जो हमने सोची नहीं थी। तो भैया ये चला कौन रहा है? ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध का मतलब हमारे पूर्व जन्म के अकाउंट्स, जिन्हों जो हमने शुरुआत से पैदा किए, कई जन्मों तक चले और वो वापस आ गए। इसकी एक्सटेंशन का प्रश्न है कि प्रारब्ध बनता कैसे है? हमारे दिमाग में ना फोटोग्राफ खींचने वाली एक मशीन लगी होती है, इसे विजुअल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये दो आंखें हैं, लेंस है हमारी। अभी हम यूट्यूब पर बात कर रहे हैं, एक लेंस के थ्रू फोटोग्राफ जा रही है, बातचीत हो रही है। ऐसे हमारी खोपड़ी में यहाँ पिछले हिस्से में विजुअल कॉर्टेक्स लगा होता है ब्रेन का, ये फोटोग्राफ खींचता है। इसको हमारे शास्त्रों में कहा गया है चित्रगुप्त। यमराज के पास जब मर के हम जाते हैं तो चित्रगुप्त के पास यमराज कहता है भाई खींचो क्या कलम है इसकी, तो वो किताब खोलता है और कलम लगा के देखता है कि इसने महाराज तब ये कर्म किया, तब वो किया, तब वो किया, तब वो किया। ये चित्रगुप्त ने फोटो खींच रखी होती है। हमारे ब्रेन में इन आंखों के थ्रू या पीछे फोटोग्राफिक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी और हमने फोटो खींची होती है बचपन से। हमें बहुत सुंदर फोटोग्राफ बचपन में किसी की देखी होती है, बड़े होते होने तक वो फोटोग्राफिक मेमोरी पड़ी हुई है, वो चित्रगुप्त ने फोटो खींच रखी है। हमारा 5 साल की उम्र में किसी से झगड़ा हुआ, बड़े होके हम मिले उससे, बचपन की लड़ाई, लेकिन जब 30 साल के होके मिले तो वो फोटोग्राफ खींची हुई है चित्रगुप्त ने, बोले इसने लड़ाई की थी। तो हम उसी हिसाब से लाइब्रेरी में से फोटो निकालते हैं, लड़ते हैं। ये जो फोटोग्राफ खींचना है, ये चित्रगुप्त हमारे पूरे जीवन के फोटोग्राफ्स खींचता है। किसी को हमने धक्का मारा था चल तो एक क्लिक, किसी के पैसे खाए थे क्लिक, किसी को थप्पड़ मारा क्लिक, किसी को दान किया क्लिक, किसी के साथ दोस्ती करी, किसी के पैर छुए, किसी के साथ सच्चाई करी, सब खींच गया। अब वो फोटोग्राफ खींच के एक लाइब्रेरी में रख लेता है। फिर जब हम मर जाते हैं, खत्म होकर टपक गए, अगले जन्म के लिए फिर से बॉडी मिलने की तैयारी हो गई, यानी ये लेंस कैमरा मिलने को तैयार हो गया। तो चित्रगुप्त उस फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ पैकेज लेकर के वापस आ जाता है यहाँ वर्चुअल विजुअल कॉर्टेक्स में। ये DNA के थ्रू प्रोग्रामिंग करता है कि हाँ भाई किस एज में इस बंदे के पैसे खाए थे, उस एज के लगभग टाइम में उस बंदे ने जो बॉडी ली है उससे मिलवाता है और वो हमें पैसे देके जाता है। हम कहते हैं यार पता नहीं पैसे क्यों दे गया ये, वो चित्रगुप्त कह रहा है भाई इससे लेने हैं, इसे देने हैं, इसको गाली बकनी है, इससे दोस्ती करनी है। ये फोटोग्राफिक मेमोरी का पूरा खजाना होता है, ये प्रारब्ध है। इसलिए हम प्यार किसी से करते हैं, दोस्ती किसी से करते हैं और पता लगा कुछ टाइम के बाद शादी किसी से कर ली,
हमें अपने बच्चे पैदा होने के बाद कोई दूसरे के बच्चे पसंद आ जाते हैं। हमने अपना घर खरीदा, हमें पता ही नहीं, कई बार तो कूद के गिरा गोद में। ये चित्रगुप्त ने फोटोज खींच रखी है कि इस बंदे को घर देना है, घर दे देता है। फिर उस घर में एक सांप निकल पाएगा, एक सांप को मारा था इसी घर में दो, और वो सांप उसको डसता है। बहुत प्यारे लड़के या लड़की से एक दूसरे की शादी कराता है, क्योंकि चित्रगुप्त कहता है इसी के थ्रू पिटाई करानी है, और उनका विवाह हो जाता है या बच्चे पैदा हो जाते हैं, और वही उनको खून पीते हैं, मारते हैं। ये जो चित्रगुप्त यमराज के साथ हिसाब रखता है, यानी अंतिम समय तक की हमारी फोटोग्राफिक मेमोरीज का हिसाब किताब, ये चित्रगुप्त की लाइब्रेरी हमारे को जिंदगी चलवाती है। इसलिए हमारा खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, हमारी लाइफ अपने आप चल रही है। मजे की बात, कई बार हम किसी व्यक्ति के साथ रहना ही नहीं चाहते, नफरत है। चित्रगुप्त कहता है भैया रहना पड़ेगा, जबरदस्ती रहना पड़ता है हमें। ये प्रारब्ध है, ये हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी है। ये 12% होती है, ये धरती दे जैसी ही पक्की फिक्स है, चुंबक है, आयरन है, इसके कोर के अंदर आयरन है। धरती के बीच में सेंटर में गर्भ में एक बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा है, हार्ड मेटल। तो आयरन की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आयरन को शेक करो, घुमाओ या फिर करंट पास करो तो वो चुंबक बन जाता है, यानी औरों को भी खींच लेता है अपनी तरफ। तो ये 12% का जो चुंबक हमारे पास है, ये कोर है हमारा, इसे हम मुन्ना कहते हैं, मन। आप देखेंगे मन पे हमारा काबू नहीं, ये प्रारब्ध है। कुछ भी सोचवा रहा है, कुछ भी करवा रहा है, किसी से भी लड़वा रहा है, कुछ भी प्लस माइनस करा देता है, अच्छी गंदी बात करा देता है, ये जो मन है, ये प्रारब्ध की साइकिल हमारे जीवन को चलवाती है। जब हम ये समझने लग जाते हैं कि भैया हमारी जिंदगी कोई और चला रहा है, तब हम इस रहस्य से समझ आता है कि इस कोई और के साथ सेटिंग करो, वो हमारे प्रारब्ध के साथ खिलवाड़ ना करें। तो हमारा जो प्रारब्ध हम चेंज कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि भाग बदल सकते हैं, वो हम कब बदल सकते हैं? जब उसे 12% रहने दे और बचा हुआ 88 की मौज ले। अब ये सुन लिया, इसे समझने नहीं देगा वो, क्योंकि वो कहता है हेलो मुझे नए फोटोग्राफ खींचने चित्रगुप्त, और अगले जन्म के लिए बंदे को फिर घसीटना है, इसीलिए तो हम आए दिन फोटोग्राफ्स खींचते रहते हैं। अपने आप ब्रेन की मेमोरी में जाता रहता है, इसी के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड चलता है। एक इंग्लिश मूवी है विल स्मिथ की, फोकस नाम से, वो इसके ऊपर है, छोटे से उसमें एपिसोड्स हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में जो फोटोग्राफ्स खींचते हैं वो कैसे हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं, छोटे से एपिसोड्स हैं, कैन वॉच, बहुत बढ़िया मूवी है। इसी पुरानी मेमोरीज की वजह से विष्णु को सांप को कष्ट देने की वजह से बाणों की शैया पर सोना पड़ा, कर्ण को दुख भोगने पड़े, अर्जुन द्रौपदी सब पूर्व जन्म के लफड़े। ये पूर्व जन्म क्या है, किसने देखा पूर्व जन्म? अब्राहमिक रिलीजन्स के पास पूर्व जन्म का कोई भी खाका नहीं है, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम, वो कहते हैं एक ही लाइफ है यार, कौन इन पचड़ों में पड़े। ये भी एक अच्छा तरीका है सोचने का, क्योंकि बहुत डेप्थ में मारा मारी करना तो बहुत सिर खुजाने वाली बात है। तो वो कहते हैं यार एक ही जन्म है, कौन इन चक्रों में पड़े, तो पूर्व जन्म के लफड़े ही नहीं है। इसलिए उनका होता है जियो मरो और काम खत्म, दी एंड। लेकिन उनके भी रहस्य है यार, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कंट्रोल नहीं है। हमारे सनातन में ये चीज अलाउड है कि यू कैन चेंज, आप इसको बदल सकते हो, समझ सकते हो। कैसे बदल सकते हैं? ये शब्द कहे जाते हैं कि तलवार की सुई बन जाएगी, बहुत बड़ी चोट लगती है, छोटी हो जाती है। जैसे हम कराते हैं किसी के लिए करेक्शन, तो पता लगा किसी बंदे को चेस्ट पर चोट आनी है, तो उसकी जब रेमेडीज हो जाती हैं तो क्या किया जाता है, उसकी गाड़ी के चेस्ट एरिया पे चोट आती है, ड्राइवर सीट जो है वो चेस्ट एरिया बनता है, गाड़ी का एक मुंह है, पीछे पैर है, सेंटर एरिया, वहां पर गाड़ी पे चोट लगती है। तो डेंट कभी ठीक मत कराओ, आपकी चेस्ट प्रोटेक्टेड रहेगी। कितनी मजेदार बात है, करेक्शन हो गई ना, ये करेक्शन है। अब बोलेंगे ये भी झूठ है, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, ये तो करके पता चलेगा। ऐसे करेक्टिव मेजर्स के थ्रू ठीक होता है। डॉक्टर क्या करता है, छोटे बच्चे को पोलियो का टीका ठोक देता है, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, सब खत्म, बड़े होके उसे होता ही नहीं। उसने प्रोटेक्टिव मेजर किया, क्या किया, उसको सुई चुभोई, दर्द किया, दर्द से ठीक होते हैं। कितनी मजे की बात है, पूरी जिंदगी में जब भी हमें ठीक होना है तो हमें दर्द चाहिए, यानी आपको बहुत 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 बड़ी तकलीफ से ठीक होना है तो डॉक्टर ना आपको सर्जरी करता है, काटता है, सबसे ज्यादा बड़ा दर्द देता है। छोटी सी तकलीफ में एक कड़वी गोली, सड़ा टेस्ट, पूरी जबान 3 दिन तक खराब हो जाती है। यानी जो भी आपको कुछ ठीक करना है प्रारब्ध का, आपको कुछ कड़वा लेना पड़ेगा, बड़ी चोट, बहुत बड़ी चोट खाने को जो तैयार है वो अपने प्रारब्ध से लेन देन सेटिंग कर लेता है।
हमसे छोटी सी चोट खाई नहीं जाती। हम कहते सिर्फ गुड़ चाहिए तो बैड किसको मिलेगा, पिज्जा दे जाओ भैया डब्बा नहीं चाहिए। नॉट पॉसिबल। आजकल तो आईफोन ने अत्याचार मचा रखा है, चार्जर ही नहीं देता, वो अलग खरीदो तार, तो वो भी अत्याचार कर रहा है। तो पे द प्राइस, प्राइस पे करना पड़ेगा। जब हम प्राइस पे करते हैं तो प्रारब्ध बदलता है, अन्यथा प्रारब्ध नहीं बदलता। हाँ जी गुरुजी, हमारी डे टू डे लाइफ में कौन सा 12% है और कौन सा बाकी है, वो कैसे डिफरेंशिएट करें? बहुत प्यारा प्रश्न है। डे टू डे लाइफ में कौन सा फिक्स्ड है और कर्मा जो हम भाग भोग रहे हैं पिछले जन्म का, और कौन सा है जो नया है जो हम कर सकते हैं? आपने देखा होगा सारा दिन भर के एक दिन का ले लेते हैं, सारे दिन भर में हम बहुत से काम करने के लिए सोच रहे हैं, ये अभी का कर्म है जो हम करना चाहते हैं, और सारा दिन में कुछ हो ही रहा है, कुछ ना कुछ चला ही हुआ है, उसमें हमारा रोल नहीं है, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ चला ही हुआ है, दाएं दाएं चला हुआ है। अब हम क्या करें, जो हो रहा है ना, जो हमने सोचा भी नहीं या शायद बैठे बिठाए हो गया, वो हमारा वो कर्म है जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, ये 12% है। हमारा कोई कंट्रोल नहीं है सूरज के आने जाने पर, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है सांस के आने जाने पर, हमारा कंट्रोल नहीं है नींद के आने पर या नींद के उठने का, ये अपने आप हो रहा है, अपने आप जो जो हम कह रहे ना हो रहा है। हैरान परेशान इंसान क्या बोलता है, क्या हो रहा है, क्योंकि उस पर हमारा काबू नहीं है। जो ये हो रहा है ये 12% फिक्स है। सारा दिन भर में आप अपनी पत्नी से कुछ चाहेंगे ऐसा करें, पत्नी आपसे चाहेगी कुछ करें, भाड़ में गए दोनों के दोनों, हो रहा है, कभी अच्छा हो रहा है तो इस वजह से दोनों ग्लूड है चिपके हुए, कभी खराब हो रहा है तो दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, फिर चिपके फिर दूर हुए, ना तलाक हो रहा है ना साफ हो रहे हैं, क्या हो रहा है? समझदार व्यक्ति कहता है इस वाले को छोड़ दो, ये भी हो रहा है, खराब वाले को छोड़ दिया, अच्छे वाले को पकड़ लो, सुखी हो गए। जिसने बुरे वाले को पकड़ लिया उसका कुछ इलाज है। अक्सर एक पत्नी पत्नी की तरफ से ज्यादा कहा जाता है, वो दुखी होती है, मेरा पति ये खसम ऐसा है। अच्छा बहन जी ठीक है ऐसा है, कितने साल तक पता करोगे ऐसा है, वो ऐसा ही है, अब उसको दफा कर दो, दफा नहीं होता। हमारे जो संस्कार है ना ये हमसे बीतते नहीं है, ये जाए नहीं जाते, ये संस्कारों का सबसे बड़ा कलेश है। जिसने संस्कार तोड़ दिए वो आगे बढ़ गया। इसे बुद्धिज्म में अविद्या कहा जाता है। अविद्या मीन्स नो नॉलेज। विजडम जो शब्द है उसका नॉलेज से कोई लेन देन नहीं। एक बार एक राजा ने अपने बहुत ज्ञानी मंत्री को बोला कि यार ये बुद्धिज्म में जो अविद्या बोलते हैं क्या होती है? अविद्या का मतलब नो विद्या, अकल ही नहीं है। बोले महाराज मैं तबीयत थोड़ी खराब है, चार दिन बाद आऊंगा बता दूंगा। तो बोले ठीक है, चार दिन की छुट्टी ली। उसी रात को वो गया एक बहुत बड़े मोची के पास। उस मोची के पास पहुंचने के बाद उसने उसको बोला ये पकड़ सोने की अशर्फियां हीरे जवाहरात, मुझे दो दिन के अंदर एक डेढ़ फुट साइज इतनी बड़ी जूती का जोड़ा चाहिए, उसमें हीरे जवाहरात लगे होंगे, जो धागा होगा सिलाई का वो सोने का होगा, ऊपर उसने सारे के सारे चांदी तांबा जो लगाना तू लगा, पैसे की परवाह नहीं करनी। बोले महाराज का बंदा है, पैसे भी दे रहा है, सोने की अशर्फियां तो यार करना है। उसने दिन रात एक लगाया और बना के दो डेढ़ फुट की जूतियां तैयार कर दी। मंत्री आया और बोला अगर तूने इसके बारे में किसी को बताया तो तलवार से कटवा दूंगा, पैसा तुझे मिल गया, मौज आ गई, तेरा खानदान तर गया जूतियां बना के, अब दफा हो जा। उसी रात को उसने पैक की दोनों जूतियां और एक जूती वहां के मुख्य मंदिर जो बड़ा मंदिर था राजा का उसके प्रांगण में यानी कि आंगन में जाके फेंक दी। सुबह सुबह पुजारी महाराज उठे, देखा इतनी बड़ी जूती, जूता तो जूता है गंदी बात है, भगवान के मंदिर सेंटर हॉल में डाल गया, पाप है यार, बाहर भी उतारने को मना करते हैं, दूर फेंक के आओ, नंगे पाओ आओ। बोले जूता चमड़ा लेकिन इतना बड़ा, इतने हीरे इतने जवाहरात, सोने की तारों से सिलाई, चमक रहा है, मेरी तो आंखें चौंध रही है, ये किसकी होगी? बोले राजा के पैर का साइज तो है नहीं। ओहो जरूर भगवान आए थे रात को, और एक जूता छूट गया। उसने वहीं पकड़ के साष्टांग दंडवत किया और उसको माथे से रगड़ रगड़ के चूम चूम के बोला इसकी स्थापना कर ली, महाराज तक खबर पहुंचाई है। महाराज तक क्या खबर पहुंचे, गांव शहर नगर में खबर पहुंच गई, लोग पागल हो गए भाई, भगवान का जूता है। 99% ने देखा भी नहीं क्योंकि भीड़ इतनी थी, कहां के ऊपर कूद के आएंगे। महाराज तक खबर पहुंची, महाराज बग्घी से आए, बोले भगवान का जूता आ गया, कमाल हो गया यार। भगवान ने बग्घी दौड़ाई अपना, पहुंचे
पहुंचते बोले महाराज आपके हाथों से भगवान का जूता स्थापित किया जाए। किसने बोला? अरे महापंडित जी ने बोला। अरे तो सत्य बोलते हैं, बहुत बढ़िया। गए वहां भगवान, बोले क्या चमक है इसकी, थोड़ी सी खराब है, इसको मैं साफ कर दूं। बोले महाराज पानी नहीं डाल सकते, ये तो भगवान के चरणों में थी, खराब हो जाएगा, चमड़ा है, भले ही अब भगवान भी चमड़ा ही पहनते होंगे, हो सकता है। बोले तो इसकी स्थापना करो मंदिर में। बोले बस इसको तो चूम चाट के ही साफ करना पड़ेगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। उसने अपना कपड़ा लिया, साफ कर करके, रगड़ रगड़ के, चूम चाट करके मंदिर के भीतर स्थापित ही कर दी। बोले अब भगवान की जूती है, क्या कर सकते हैं, भगवान भी चमड़ा पहनते हैं और जो भगवान का वो पवित्र है भैया। दो दिन तक तो जो ढोल नगाड़े घंटे बजे और पूजा हुई, आरती उसके ऊपर फूल चढ़ाए जा रहे हैं, इतर फेंका जा रहा है और लोगों की भीड़ हो रही है, आरती लिख दी गई, कहानियां बन गई, पता नहीं कहां कहां के राजा महाराजाओं ने दर्शन कर लिए। दो रात के बाद मंत्री चला गया उसके पास। बोले महाराज छुट्टी खत्म हो गई, पर बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ। बोले क्या हुआ? बोले हमारे पड़दादा की ना खानदानी जूती थी, वो चोरी हो गई। बोले चोरी हो गई, ये कौन सी खबर मुझे महाराज को बता रहे हो, मेरा दिमाग खा रहे हो, तुम पागल हो? बोले महाराज प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि चोरी हुई है, दूसरी मेरे पास है। बोले दूसरी तुम्हारे पास है, इसका क्या मतलब? बोले बहुत महंगी है महाराज, नायाब, दिखाओ। दिखाए तो दूसरी जूती, दूसरे पैर की जूती, वही 1.5 फुट की। राजा ने माथा पकड़ लिया, बोले साले मुझसे क्या क्या कर्म करा दिए, मेरी तो राजपाट गया। बोले अब ये तो मंदिर में स्थापित कर दी गई। बोले महाराज ये तो बड़ा पाप हो गया, ये तो आपके हाथों पाप हुआ है, आप तो गए अमराज की नगरी और मरोगे पाप के साथ, चपड़ा डाल दिया अंदर। बोले अरे बेवकूफ मैं करूं क्या, अब तो मैं कर चुका, मैं ये भी नहीं कह सकता कॉल बैक करूं, इतने लोग पूछ बैठे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। बोले महाराज जो आप पूछ रहे थे ना, विद्या क्या होती है, बुद्धि वो ये होती है, अब आप भी इसे कॉल बैक नहीं कर सकते। अब ये संस्कार हमारे पूरे गांव शहर में देहात में ठूस दिया गया कि वो जूता जो भगवान का पूजो, ऐसी तैसी तुम्हारी, ऐसे ऐसे संस्कार हम सब में घुसे हुए, नॉनसेंस संस्कार घुसे हुए हैं। किसने बताया? मेरी दादी सास ने बताया थे। दादी सास को किसने बताया? अरे वो तो मर गई। नहीं सुना, उनकी दादी सास ने बताया थे। लॉजिक पता ही नहीं, घंटी बजा रहे, टंटन कर रहे, पागल हो रहे, पाप और पुण्य के स्यापे में फंसे, भगवान के घर जा जाके चले जाते हैं 5-7 मिनट के लिए, मंदिर मिलाते 24 घंटे में 5 मिनट भगवान को देते हैं, एहसान है उसमें, उसमें भी लिस्ट देते हैं, हेलो ये ग्रोसरी ले आई हो मेरी, एक गाड़ी चाहिए, एक बंगला चाहिए, भगवान से तो यही मांगेंगे ना, और फिर आ जाते हैं। और मिलती किसे है? जो मंदिर ही नहीं जाता, जो 24 घंटे ये सांस लेने वाले के साथ जी रहा है, उसने भगवान को अंदर बांध लिया। एक ढेले का तो वो कोई कर्म नहीं करता जिसमें कोई सतोगुणी बात हो। बुद्धिज्म में तो नॉनवेज खाना भी अलाउड है, इसका ये मतलब नहीं हम नॉनवेज खाएं। शराबियों को क्यों मिल जाता भगवान? ये 12% को खोलना बहुत जरूरी है, 12% बहुत बड़ा बंधन है और ये पूरे जीवन को खा जाता है। हम एक्सेप्ट नहीं करते दूसरे को, इसीलिए तो भाग बदलता नहीं, इसीलिए तो कमीनों का, पागलों का, लल्लुओं का किस्मत बदली जाती देखते हैं हम, करोड़ और वो कमा लेते हैं, स्थान पाते हैं, हमारा नहीं होता। क्यों? हम बंधे फंसे हुए हैं पुरानी दास्तां में, व्यर्थ की बातों में। ये कहा जाता है, दो बातें मारती हैं, चार लोग क्या कहेंगे, और कहते हैं जिसने ये दोनों जीत लिए वो भाग बदलता है। YouTube से हाँ जी बोलिए बोलिए हाँ बताओ। कई साल पहले जैसे बताया था कि अपना आशीर्वाद दो, ड्रेसिंग लिया करो, पर अपना ड्रेसिंग जैसे लेते हो अपना पूरा झुक के अपने एंटी क्लॉक वाइज अपने हाथ ऐसे रोने चाहिए आपके, इसका क्या मतलब क्या लॉजिक है? जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि हमें ऐसे अपना अपना ड्रेसिंग लो, आशीर्वाद लो, पूरा झुको और अपने ऐसे एंटी क्लॉक वाइज अपने हाथ रखो, आशीर्वाद लो और झुक करके, कमर झुका करके, पैरों को ऐसे हाथ लगाओ क्रॉस। तो अब बच्चे कहते हैं क्या सिर पैर है, क्यों करें, ये नहीं करना है, वो नहीं करना। तो याद रखो बड़ा आसान होता है, इसका लॉजिक क्या, साइंटिफिक साइंस क्या है इसके पीछे। हमारे जीवन के अंदर एक बड़ा सादा सा हिसाब होता है, एक छोटा बच्चा एक सूटकेस उठाता है, पापा उठ नहीं रहा, पापा आते हैं उसको उठाते हैं, बच्चा एक उंगली लगाता है, कहता है पापा उठ गया आपके साथ, तो पापा ने मदद करी ऐसे उठ गया, किसी दूसरे की हेल्प ली कैसे हो गया ना। हमारे धर्म में कहते हैं भगवान की कृपा मांगो, सिखिज्म में कहते हैं गुरु से मदद लो,
हम मदद लेते हैं ना दूसरे से, तो जब दूसरे से मदद लेनी है तो मदद लेनी कैसे है? बड़ा सिंपल सा तरीका है, मदद कैसे मिले, कोई मदद कैसे करेगा? कोई भी मदद आपकी तब करेगा जब आप उसे प्लीज करोगे। ये प्लीज किया अभी, अभी अभी ये 1 2 3 5 10 होती है, ये क्या किया है? राइट साइड लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है, लेफ्ट हैंड राइट साइड ऑफ ब्रेन है। राइट और लेफ्ट ब्रेन में, राइट ब्रेन इमोशनल ब्रेन है जो हार्ट से कनेक्टेड है, इसीलिए हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड है, थोड़ा सा लेफ्ट। किसी किसी का राइट होता है तब भी वो राइट ब्रेन से ही कनेक्टेड है। राइट ब्रेन हमारा रिलैक्स एंड डाइजेस्ट ब्रेन है, सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये वो है जिससे स्पाइनल कॉर्ड चलती है, जिसके द्वारा हमारे अलग अलग पोर्टल 7 चक्र की ओर काम करते हैं और अंतरिक्ष से कनेक्ट होते हैं। इसको ऐसा समझिए जब आप पियानो बजाते हैं तो ऐसे बजाएंगे ना, डिंग डंग डंग डिंग, कोई सिंफनी नहीं है। अगर आप तरीके से बजाएंगे क्या लय बनेगी, क्या साउंड बनेगी, तो कनेक्ट हो गए, आपको बढ़िया सी धुन मिलती है, आप कहते हो मजा आ गया। तो जब आपके अंदर के अलग अलग पोर्टल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जाते हैं अंतरिक्ष में तो कॉस्मोस से वापस आते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ बड़ी मस्त और रंगील होती है। और वो कब होती है? जब आपको ये बटन दबाने आते हैं। अब आपको मान लेते हैं बटन दबाने नहीं आते, अब दूसरे से मदद लोगे, तो मदद कैसे मिलेगी? मदद मिलेगी दूसरे के आगे झुककर, हाथ जोड़ लिए, इससे भी तकड़ा झुकना है, उसके पैर पकड़ लिए। अब पैर क्यों पकड़ने हैं? राइट हैंड को राइट पैर पर रखना है, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर पर रखना है, तो सर्किट पूरा हो गया। क्योंकि हम पैरों से चार्ज होते हैं, हम खाना खाते हैं, खाने में क्या होता है? खाने में सनलाइट होती है। जितना भी प्लांटेशन है, जितना भी एनिमल्स हैं, वो कुछ खाते हैं और उनके अंदर सूरज होता है, और उसे हम खाते हैं, हमारे अंदर सूरज आता है। या ऑर्गन है मेडुला ओब्लॉंगाटा, वो हमारे सूरज की रोशनी को चूसता है और हमारे स्पाइन को नरिश करता है। इसका साइंस बायोलॉजिकल है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, इसको पढ़ेंगे आप समझ आएगा। ये हमारे बचपन में, हमारे जब एम्ब्रियोनिक फ्लूइड होता है उससे बनता है, बच्चे के गर्भ में होने से बच्चा जिंदा ही होता है, उसी से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है, उसी से डीएनए नरिश होता है और हम डीएनए से चलते हैं। जब हम दूसरे के पैर छूते हैं तो धरती से चिपका हुआ है, तो धरती से चार्जिंग ले रहा है। पेड़ को देखा है, पेड़ टिका हुआ, एक ही जगह फंसा हुआ बेचारा, वो धरती से चार्जिंग ले रहा है। हम वाईफाई से चार्ज होते हैं, एक ऐसे नोकिया का मेरे ख्याल से बना था पीछे चार्जर जो वाईफाई से सबसे पहले, या सैमसंग का चार्जर, वहां लगा दो फोन, यहां पड़ा चार्ज हो रहा दूर से। अब तो वायरलेस चार्जिंग कार में हो जाती है। तो हम धरती से चुंबक लेते हैं, चार्जिंग लेते हैं, यहां से हमें चुंबक मिलता है। तो जिसकी लाइफ सफल है उसका चुंबक से तगड़ा कनेक्शन है, वो है गुरु। कोई प्रॉपर्टी का काम करता है, गुरु आदमी है, तगड़ा तगड़ा वर्ड यूज कर रहा है, बहुत शानदार काम करता है, उसके पैर छू, क्यों? क्योंकि उसने चुंबक खींचा है तब सफल हुआ है, उसने कोई चमत्कार नहीं किया है, उसकी एनर्जीज, उसकी ऑरा बहुत स्ट्रांग है। अब उससे दया कैसे लें? या तो उसके चिल्लपों करें, उसके चमचे बने, उससे कृपा कैसे लें? तो तुम्हें वो सीक्रेट बता दे, वो नहीं बताए तो चुराए कैसे? उसके पैर छू, घुटने छूते हैं लोग, अड़े रहते हैं, इसीलिए सफलता देर से आती है। चरण छूने का मकसद क्या है? गलत बंदे के छू लिए तो कुछ जाता नहीं, सही के छू लिए तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल उसकी बॉडी से आपकी बॉडी में हाथ के थ्रू प्रवाहित होता है। यह हाथ जो है एंटीना है हमारे, कॉकरोच के नहीं देखे दो एंटीना, सांप जीभ निकालता है, दो एंटीना है वो, ये एंटीनास है हमारे, हर एक नर्व अलग अलग ऑर्गन में जा रही है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, जब ये टच होते हैं तो खींचते हैं ऊर्जा। इसीलिए कहते हैं किसी गुरु से पैर छुआ लगो तुम्हारी सारी ताकत खींच लेगा, इसीलिए उसका हाथ आपके सिर पे जाता है। कहां जाता है ये? यहाँ चोटी रखते हैं ना पंडित लोग, तो चोटी रखते हैं क्योंकि यह हमारा जो है प्लेजर सेंटर ऑफ ब्रेन है, सब साइंस है, टोटली साइंस बायोलॉजी है ये, इसलिए उसका हाथ यहाँ जाता है। ये मैंने हार्ट से अपना तुझे आशीर्वाद दी, हार्ट है हमारी, हार्ट के चक्र है। छोटा सा बच्चा गर्भ में फोटोग्राफ किया गया है, ताली पीटता जब खुश होता है, अभी धरती पे भी नहीं आया, वो सचमुच में ताली पीट रहा है। अरे तू ताली क्यों पीट रहा है गर्भ में माँ के? क्योंकि खुश होते ताली पीटती है, ये नेचुरल रिएक्शन है। यानी हार्ट कहती है मजा आ गया, राइट भी, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, खुश है, जय माता दी, जय अली 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 अली, हर एक धर्म में। तो ये हार्ट जोड़ दी, दिल से दिल जुड़ गया, जब अपना ही दिल जुड़ गया, राइट और लेफ्ट ब्रेन जुड़ गए, आपका डीएनए नरिश हो गया, इलॉन्गेटेड हो गया, आपके सिग्नल स्ट्रांग जाएंगे। ऐसे क्यों है कोई आदमी ज्यादा सफल है, किसी के काम यूं होते हैं, किसी के काम पिट पिट के भी नहीं हो रहे, इसलिए झुकना। पर चक्कर आप गलत नहीं कह रहे, पत्थर की मूर्ति ना कुछ बोलती नहीं, उसके आगे बेइज्जती नहीं होती, उसके आगे झुकने में कुछ नहीं जाता,
जिंदा के आगे झुकना बड़ा स्यापा है। आप अभी तो जिंदा हो, जब आप मर जाओगे देखना आपकी कितनी पूजा होगी, आपकी फोटो लगाई जाएगी, ऐसे हाथ जोड़ के रोया जाएगा, आपके लिए फूल लगेंगे फूल, क्योंकि जिंदा बोलते हो आप। ईगो बीच में आती है। अब जिसने ईगो नहीं रखी, अर्जुन ने ईगो नहीं रखी, कृष्ण के चरणों में जीवन छोड़ दिया, आप नानक के चरणों में छोड़ो, किसी के तो छोड़ो, वो यूं उठा के ले जाएगा, कहां से कहां पहुंचा देगा। कोई बहुत बड़ी बड़ी तोपे होती है फिल्म इंडस्ट्री में, कहते हैं नेपोटिज्म चल रहा है, क्यों चल रहा है, बहुत बड़ा जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है अगर उसकी कृपा मिल जाए, एक नजर पड़ जाए, यूं उठा के ले जाता है, सितारा बना देता रातों रात। तो ऐसी कृपा तो ले लो, ये ब्लेसिंग है, ये फ्री फंड की लेनी तो सीखो, ये क्यों नहीं लेते हम। घमंड, हुड़ हुड़ घमंड, और इस घमंड के कारण से लाइफ में स्लो हो जाते हैं। पति पत्नी के झगड़े सिर्फ घमंड की वजह से, अपने अपने झगड़े, मेरी आई ब्रेन, मेरा घमंड, मेरा क्यों घमंड। पति सारे दिन पत्नी को डांटता लड़ता रहता है, क्यों, उसकी औकात ही नहीं किसी और को डांटने, बाहर कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा उसे, बेचारी बीवी का दम निकाल के रखता है। और वो क्यों सहती है, बोले पालतू कुत्ता बतेरा, बाहर कुत्तों से कौन सिर मारे। प्यार किधर है, प्यार कहीं है ही नहीं, प्यार ढूंढो, प्यार करने लायक स्थिति आ गई तो आदर करो। आजकल सम्मान नहीं है ना, प्यार व्यार तो वैसे कुछ नहीं होता, होता तो सम्मान। आप बताओ प्रश्न क्या रहते हैं आपने। चक्रास को खुद के लिए मैनिफेस्टेशन के लिए यूज किया जा सकता है। चक्रास को मैनिफेस्टेशन के लिए क्या यूज किया जा सकता है, चक्रास से ही मैनिफेस्टेशन होती है। आपकी जिंदगी में जो हो रहा है वो ऑटो मैनिफेस्टेशन पे, हम ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट करते हैं सब कुछ, हमें पता ही, ये हम बुद्धू बनते हैं। मैं गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहा हूं, मिल जाएगी, तुम प्रीलिव कर रहे हो, प्रीलिव का कंसेप्ट कोई सुन के समझ के एक्सेप्ट करके राजी नहीं। मजे की बात समझो, हमारा ब्रेन ना बड़ा चालू है, बड़ा ही चालू है। आप देखेंगे, आप सब इंसान है, बहुत से लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, हमारा ब्रेन कैसे ट्यून किया है परमात्मा ने, परमात्मा मीन्स अननोन, कोई तो है जिसने किया है, मुन्ना है वैसे ये, इसने क्या ट्यून किया हुआ है, हमारे को अपने पसीने से बदबू नहीं आती, हमारा नाक मुंह सिकुड़ता है, हम उसमें गंदा महसूस नहीं करते, धो लेते हैं, हमारे को अपनी पॉटी में से स्मेल महसूस नहीं होती, होती भी है तो हम कहते हैं इट्स ओके, नहीं तो पॉटी करते हुए बंदा भाग जाए कि उफ कितनी स्मेल है। हमें अपने अवगुण कभी ना दिखे, हमारा ब्रेन ऐसे ट्रेंड है, हमें अपनी कमी दिखी ही नहीं सकती, इसलिए हम कभी अपने आप को ठीक कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें अपनी गलती दिखेगी नहीं, ये हमारा ब्रेन प्रोग्राम्ड है, मेरा आपका इसका उसका सबका प्रोग्राम्ड है। कभी देखा कोई इंसान अपनी बुराई करते हुए, तो कहता मैं ठीक हूं तू गलत है, यानी कि हमारा ब्रेन इतना चालू है, इतना प्रोग्राम्ड है, वो कहता है यार उसने दोष दिया, उसकी गलती, तो हमारी अपनी गलती हमें कभी दिखती नहीं। जब गलती दिखती नहीं तो हम ठीक कैसे करें, क्योंकि गलती तो दिखी नहीं, तो गलती तो दूसरा देखेगा, और दूसरे के बाप की भी नहीं, अपने बाप की भी नहीं सुनते हम, तो हम दूसरे की सुनेंगे नहीं, इसलिए हमारी लाइफ ठीक नहीं होती। इसलिए गुरु चाहिए जो आपकी लाइफ की कमी को धोए, जिसको हम सौंप दें, क्योंकि अपनी कमी हमें दिखेगी ही नहीं, ये हमारा जीवन का सत्य है। इसलिए हमारे नेचर की कमी, हमारे गुस्से की, हमारी फालतू की खाने पीने सोने की हमें कमी कभी नहीं दिखेगी, और जैसे ही हमें कोई कमी बताएगा हम उससे लड़ पड़ेंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई कमी बताने की, मुझमें कमी नहीं है, जब मैंने खुद को देखा तो मुझे तो मुझमें कमी दिखी नहीं, तो तू मुझे कैसे बोल रहा है कि कमी है, कमी हो ही नहीं सकती। इसलिए हम प्रोग्राम्ड हैं, हमें हमारी कमी नहीं दिखेगी। जिस इंसान ने जान लिया कि बाय डिफॉल्ट हमारा सिस्टम हमें हमारी कमी नहीं दिखाएगा, वो अपनी कमी ठीक करेगा, जिसने कर ली वो कौन होगा, वो कमीना है, उसमें कमी ना है। सबसे बड़ा कमीना कौन है, सबसे बड़ा कमीना कृष्ण है, उस पट्टे में कमी कोई नहीं है। साला अभी बोला हाँ हाँ वादा है ये ही करना चाहिए लाइफ में, थोड़ी देर में कहा यार अब तो ये करना पड़ रहा है, कसम तोड़ दी, आज समय ये मांगता है मुझे बदलनी है, कसम तोड़ दी नहीं कर ली। तो यार कोई मर्यादा होती है, मैं राम नहीं हूं भैया, यह कमी ना होना, कोई कमी नहीं है बंदे में, तभी तो कहते हैं साला कमीना आदमी है, सफल है, भगवान ही नहीं की सुनता है, भगवान खुद ऐसा था, उसी की तो सुनेगा यार, अपना भाई है मेरे जैसा है, दो दारूबाज कैसे होते हैं, भाई है मेरा भाई, तो मेरा भाई है कहां से भाई है, क्योंकि दोनों में सेम चीज है, कमी ना है।
अब कमीना कैसे बने हम, ये तो पाप हो गया, पुण्य हो गया, असफल वही है। बड़े बड़े देश पॉलिटिक्स जो चल रहा है वो कमीनों से ही जो चल रहा है, सिस्टम से चला के दिखाओ, दुनिया बेवकूफ बनाए बिना अपनी तरफ करके दिखाओ। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है डिप्लोमेटिक होना, समझदार होना। अच्छी लड़की का घर नहीं बसता, समझदार लड़की का घर बसता है। मैं बहुत अच्छी लड़की हूं मतलब वो बेवकूफ है। अब बेवकूफ को कौन सुख दे, भगवान तो कमीनों का है। कहता है बेटा बरसात आई एक्लेमेटाइज हो जा, तेरी बॉडी बरसात को झेल ले, ठंड आई ठंड को झेल ले, गर्मी आई गर्मी को झेल ले, यार आंसू जिंदगी चलेगी। हम सड़ते कुड़ते हैं, खुद से नाराज है, एक्सेप्टेंस नहीं होती जी, क्योंकि सरेंडर नहीं होता, क्योंकि झुका नहीं जाता। पता किसे है, इसे एक्सेप्ट कौन करेगा, बॉडी, ये अलग है, बॉडी ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसलिए तो झुका नहीं जाता, L4 L5 से नीचे जाती नहीं। जिसका ये चली गई वो सुखी हो गया, ये अड़ियलपन है। सर लॉ ऑफ असम्पशन क्या है, लॉ ऑफ असम्पशन क्या है? असम्पशन का मतलब होता है कि हम अंदाजा लगा लेते हैं, ऐसे ही आइडिया सा लगा लेते हैं। ये हमारे ड्रीम वर्ल्ड की बात है, ड्रीम, हम अंदाजे लगा रहे हैं, सपने देख रहे हैं, आइडिया ले रहे हैं। इसका देवता है हमारा मन, इसको हम मुन्ना बोलते हैं। मुन्ना देवता है, बहुत ताकतवर है, ये हमें असम्पशंस देता है, मुझे लग रहा है ऐसा हो जाएगा, मुझे लग रहा है वैसा हो जाएगा, कई बार हो भी जाता है। और इसका रूल क्या है, मैं फंसा के रखूंगा, 10 में से एक काम तेरे जरूर कराऊंगा। वो मजाक की बात है कि घर में शादी हो गई, सास ने कहा मजा आ गया, बहू आई है, मेरी सास ने साले मुझे बहुत तंग किया, हाथ उसे कपड़े धुलाए, रात दिन जगा के पैर दबाए, मैं अभी स्वाद लूंगी ये वाला, तो मजा आ गया। अब वो आ गई, बहू पढ़ी लिखी थी, सास ने कहा लेकिन बड़ा लफड़ा है यार, इसको तो काबू करना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो ऐसा करती हूँ मैं, थोड़े थोड़े अत्याचार करूंगी, थोड़ा थोड़ा प्यार, तो वो उसके साथ तंग करे, उसे रोटी बनाते हुए हिलती क्यों है, प्याज काटते हुए रोती क्यों है, तो चप्पल पहन के बाहर जाती क्यों है, बेकार की बातों पे। बहू तो उसने देखा एक दिन बहू तमतमा रही है, बोले वो उसी दिन अंदर गई, बोले बेटी मैं इतने दिन से तेरी परीक्षा ले रही थी, ये ले सोने की अंगूठी, ये मैंने तेरे को देने के लिए रखी थी। बहू ने कहा ओह माई गॉड मम्मी जी इट्स ओके, कोई बात नहीं, जो किया कोई बात नहीं, छोड़ो। बोले आज सेट हो गई है। अगले 10 दिन फिर बहू का तेल निकाला, तूने कपड़े गंदे धोए, तूने ये किया, देखा बहू का फिर मूड खराब हो रहा है, एक चूड़ी निकाल लाई, बोले बेटी ये चूड़ी तेरे लिए, तेरे जैसी बहू पाके मैं धन्य हो गई। 15 महीने बाद बहू को ये समझ आया, नहीं ना ये मुझे जाने देती है ना मुझे जीने देती है, जरूर कोई पंगा है। तो सास के साथ बैठ के उसने पूछा मम्मी जी चक्कर क्या है, बोले बेटा तुझे तंकर के स्वाद पड़ा आता है, मेरे अंदर भी बड़ा कलेश था, मेरी सास ने बहुत किया है, तो मम्मी जी क्या बीच बीच में बिस्कुट देती रहती हो बेटा, ताकि तू भागना जैसे लॉलीपॉप भी देती हूँ। तो ऐसे ही पति पत्नी फंसे रहते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे ही सासों के साथ बहुएं फंसी रहती हैं, ऐसे ही हम अपने बच्चों को फंसा के रखते हैं, थोड़े थोड़े दिन में उनको गिफ्ट देते हैं, ले टॉय, और फिर कहते हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं, टॉय तुमने दिए थे उसे, संस्कार की बजाय। ऐसे ही हमारे जीवन में हमारा जो मन है ये हमारे को चीजें ला ला के देता है, एक या दो, और बाकी चीजों के लिए क्या करता है, नहीं देता। तो अगर आपके एक तो काम हो रहे ना, उसका नाम लॉलीपॉप है, इसीलिए हम फंस जाते हैं, निकलते नहीं, यही माया, यही मैट्रिक्स है। इसीलिए संसार जो है ये बड़ा मजेदार है, ना ये रहे जिए जाता है ना छोड़े जिया। जिस दिन मरने का मन करेगा और आप मरने के लिए तीसरे दिन की कसम खा लोगे, तीसरे दिन सुबह आपके ताऊजी मर चुके होंगे और आपके नाम प्रॉपर्टी छोड़ गए होंगे, जैसे ही आप कसम खाओगे मैं नौकरी छोड़ दूंगा मेरे बस के नहीं है, अगले दिन ही प्रमोशन मिल जाएगी, वो छोड़ने भी नहीं देता और जाने भी जीने भी नहीं देता। ये मुन्ना का खेल है, ये हमारा मन है, जिसने इस मन को साधना सीख लिया वो साधक कहलाया, साधक जो सद गया वो साधु बन गया, इसलिए मन का खेल है। हाँ जी गुरु जी, अगर मुन्ना को एवरीडे थैंक यू कहते हैं तो अरे मजा आ गया, ज्यादा अहंकार नहीं करेगा। मुन्ना को एवरीडे थैंक यू बोला, उसी से तो दोस्ती करनी है, उसी से तो सेटिंग करनी है, अपने आप से बात किया करो। कोई करता है अपने आप से बात? वैसे अभी बता रहा हूं सवाल का, अपने आप से बात करने का समझ आया मतलब, ये पता चला हमारे अंदर कोई रहता है, पता है हम नहीं है वो, कोई और है।
मैं आपको एक बात बोलता हूं, देखते हैं, ठीक है? दो पांच सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे और मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? आंखें बंद कर लो पांच सेकंड के लिए। किस किस का दिमाग खराब है? आंखें खोलो, आपके अंदर आवाज आई है आपको। कोई कहेगा पागल है तू जो ये बोल रहा है, कोई कहेगा दिमाग खराब, ये क्या सिर पैर बेकार की बातें। किसी ने जवाब दिया भी, कोई बोल रहा है अंदर, और कोई बोलेगा ये क्या भाईयत बातें, कोई बोलेगा सवाल ही नहीं उठता, तेरा दिमाग खराब। ये कौन बोल रहा है अंदर? ये अंदर कोई रहता है जिसकी बेइज्जती हुई है? ये मुन्ना है, ये मन है, रात को सोने नहीं देता। हम कह रहे हैं सोना है, बातें चल रही है इसकी, गाने चल रहे हैं, कलेश चल रहा है इसका। आप जब तक ये मान जान समझ नहीं लेंगे कि आपके अंदर एक एलियन रहता है, तब तक आप उससे बात नहीं करेंगे, तब तक दोस्ती नहीं होगी। वो छुप के रहे, वो भूत है हमारे अंदर रहता है। भूत आता है ना कभी कभी, भूत सवार होता है ना गुस्से में। पति जो पुरुष होते हैं वो अक्सर टीवी कपड़े चीजें फाड़ फूड़ के, तोड़ फाड़ के, शीशे तोड़ के चलते हैं। स्त्रियां जो होती हैं वो उसके खाने में मिर्च डाल देती हैं। कौन है ये? भूत सवार हो गया ना, कहते हैं इसको आज भूत सवार हो गया, इसमें चुड़ैल आ गई। आता है वो ऑन होता है, जब उसको बहुत आग लगती है वो हमारे को पागल कर देता है। अच्छे खासे हम जाके छत पे खड़े होकर कूद जाते, कोई है हमारे अंदर, कोई राक्षस है हमारे अंदर, पर वो इतना ताकतवर है कि हमारी जिंदगी हमसे खत्म करा सकता है। डेथ बाय सुसाइड, डेथ बाय इंस्टॉलमेंट्स, सुसाइड इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं हम। धीरे धीरे ड्रग्स लेते हैं, धीरे धीरे शराब पीते हैं, अपने आप को काटते हैं। ऐसे लोग हैं रोज नस काट लेते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। वो क्या है? ये वो मुन्ना है। इससे बातें करो, इससे सेटिंग करो, राजा बना देगा। ये एलन मस्क जैसे, ये सारे के सारे जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, ये खुद से बात करते हैं। एग्जांपल देखना है, छोटे बच्चों को देखना, खुद से बातें कर रहा होता है बच्चा, खुद से बात कर रहा होता है। टिंकू ने ये कहा, टिंकू वो बोला, मम्मा जाएंगे, मम्मा के साथ उधर जाएंगे, मैं टॉय लूं, किससे बात कर रहा है? वो खुद से कर रहा है। और हम उसको दबा देते हैं, वो करने दो। बड़े होते होते उसका मुन्ना उसको राजा बनाएगा, जिसने सीख लिया। तभी तो हैरान होते हैं, चौथी बेल आदमी यार इतना सफल कैसे हो गया? मुन्ना ने कराया है, वो पहले ही पढ़ा लिखा है, उसे सारे ज्ञान है, आकाशिक रिकॉर्ड्स मुन्ना खोलता है। इसलिए मुन्ना को तो रोज गप्पे मारो, थैंक्स करो। मुन्ना को रात को क्वेश्चन बोल के सो जाया करो, यार सुबह ही बता दियो। वो आपको कोई बुक दिखा देगा वैसी, कोई चीज सामने आ जाएगी, कोई अरेंजमेंट जुगाड़ करा देगा, उसका हेडेक। ये वो जिन है जिससे सारे काम कराए जा सकते हैं। हाँ जी सर, आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या हैं और हमारा उनसे रिलेशनशिप कैसा है? क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? हमारे अंदर रिकॉर्ड्स हैं, आपको पता है बहुत सारी चीजें याद रहती हैं, ठीक है? तो जो ये लाइब्रेरी है, आपने बहुत सारी चीजें याद रखी, बची कुछ अपने मोबाइल में याद रखी, ये मोबाइल रिकॉर्ड्स। वैसे ही आपने बहुत सारी हार्ड डिस्क में रखी, वो है हार्ड डिस्क रिकॉर्ड्स। ऐसे ही कॉस्मोस जो है वो सारे रिकॉर्ड स्पेस में रखता है। जिसको उस लाइब्रेरी में टैप करना आ गया ना, वो भी जान लेगा जो आप जानते हो। ऐसे लोग होते हैं क्लेयरवॉइंट, उनको क्लेयरवॉइंसी होती है, उनको आपका भी पता है। तभी तो कई लोग ऐसे बताने वाला कोई होता ना, बेटा तेरे साथ ये हुआ, कहते महाराज महाराज आप भगवान हो, वो हैरान कर देगा, सारे तुझे कैसे पता? और वो आसान है, क्लिक आ गया, डिफिकल्ट नहीं है। हाँ जी कह रहे थे आप। यही बोल रहा था, आज घर से निकलने से पहले ये सवाल पूछा था कि क्या अपने आप से बातें करना ठीक है नहीं, वो यही चीज। अब देखो ये प्रश्न आपके दिमाग में था, क्या खुद से बातें करना ठीक है, ये कहाँ गया? ये कॉस्मिक वेब में गया। वो प्रश्न का उत्तर कहाँ से निकला? वहीं से, मुझे आता है पता नहीं, मेरे पास पहुंचा और आपके प्रश्न पूछने से पहले हो गया। मैं पूछना भी नहीं पड़ा, ठीक है? जब पति पत्नी प्रेम में होते ना, नहीं लड़का लड़की प्रेम में होते हैं, सॉरी सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जब लड़का लड़की प्रेम में होते हैं तो ना वो कहते हैं सुन, सुना, बोले ये ले खंडा। एक दूसरे के मन की बात पता होती है उन्हें, कैसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कनेक्टेड होते हैं। और वो कहते हैं यार कितने सेम है हम दोनों, क्योंकि सरेंडर एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं। शादी के बाद क्या होता है? हेलो तू मुझे खुश कर, पहले मैं तुझे खुश करूं, प्यार है, आकाशिक रिकॉर्ड्स खंगल गए। अगर आप ये नेचर आज बना लोगे कि मैं तुम्हारे को खुश करने, तुम्हारे ध्यान के लिए जीवन काट रहा हूं, आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल लोगे आप, ऑटोमेटिकली खोल लोगे। आपके पास अपने आप ज्ञान होगा,
इंट्यूटिव पावर्स ऑन हो जाएंगी, हमारे से आपके स्वार्थ ही खत्म नहीं होते, हम क्या करें। हाँ जी, अपनी कमी पहचाने कैसे और उसको सॉल्व कैसे करें? अपनी कमी कैसे पहचाने, इनको बोलो शीशे में जाके चेहरा देखेंगे, इनको अपना चेहरा टेढ़ा नहीं दिखेगा, फिर दूसरे को खड़ा करेंगे उसका टेढ़ा दिखेगा, उसे उसका सीधा दिखेगा और इनका टेढ़ा, अपनी कमी हम देख ही नहीं सकते, हम प्रोग्राम्ड नहीं है इस चीज के लिए कि हमें कमी हो सकती है। इसलिए जीवन में कोई एक बंदा ऐसा रखो, मिनिमम एक रखो, जो आपको डांट डांट के, आपको सूत सूत के कहते हैं ना, आपकी जेई तेई फेर दे, और उसे मत छोड़ो, क्योंकि वो पट्टा आपको धो धो के बताएगा तेरे में ये है, तेरे में ये, एक दिन आपको रियलाइज हो जाएगा है मेरे पास मेरी माँ है, मेरे को यही टेंशन है, जिस दिन वो टपक गई मुझे डांटेगा कौन, क्योंकि उसके अलावा किसी की कुछ डांटने की हिम्मत नहीं है, और हम में तो कमी है ही नहीं, सब ये लेके चलते हैं, साला मेरी कमी कौन बताए, तो मेरे लिए तो बड़ी टेंशन है, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है, निंदक निर्णय राखी है कबीर कह गए, अब मैं क्या करूं इस चीज के लिए। और आज हमारा जीवन ऐसा चल रहा है, अबे तू बोल के तो दिखा मेरे बारे में कुछ ऐसी की तैसी तेरी, हमारा तो पब्लिक डीलिंग का आंदा, अक्सर लोग बोलते हैं आपने ऐसा किया, मैं कहता हूं थैंक्स फॉर टेलिंग, तू मुझे चेता रहा है, मुझे दोबारा से चाबुक डाल के ठीक कर रहा है, तो मेरा ही सुधार हो रहा है, मैं ही धोऊंगा फिर, तो ये कमी तो दूसरा ही बताएगा, अपनी कमी खुद कहां से जानोगे, बोलो हमसे मिलो हम धोएंगे तुम्हें। अरे मैं तो वैसे पूरी तरह, अरे आपको तो सब पता, मैं धो धो के कछुमर निकाल दूं। इंट्यूशन में और मुन्ना बोल रहा है, मुन्ना हमें ये दिखा रहा है, उसमें डिफरेंस कैसे पता करते हैं? मुन्ना हमें कुछ बोल रहा है और इंट्यूशन में क्या फर्क है? मुन्ना हमें जो बोल रहा है वो फालतू की बकबक करेगा, वो खेलेगा, ऑलवेज कचड़ कचड़ दिमाग में कचरे की फैक्ट्री चलती रहेगी हमेशा, और इंट्यूशन ऐसी चीज है जो अपने आप आती है और हम रीड करते हैं, इंट्यूशन सबको होती है, सब ये लोग कहते हैं आज तो भगवान से कुछ और मांग लिया होगा, एक ना एक दिन तो जरूर बोलते हैं, तो इंट्यूटिव पार्ट सबकी ऑन होती है, हम स्पेसिफिक पोर्टल पे टच करते हैं, ये हमारी सुषुम्ना नाड़ी होती है, उससे हम टच करते हैं, क्लिक होता है और वो इच्छा पूरी हो जाती है, जिन्होंने सीख लिया वो लॉटरियां लगा लेते हैं, आसान है जिंदगी बहुत, ये चीज तो पहले गांठ बांध दो, है बहुत आसान, ये वो वाले हाल है कि डॉक्टर के पास जाओ, वो दवाई डाल डाल के बूंदे तैयार करके दे देता है मीठी गोलियां, दवाई नहीं बताता, क्योंकि उसे लगता है मैंने ये बता दिया तो मैं लुट गया, आपके जीवन में जो ज्ञान आ गया बता डालो, अपना बाल्टी खाली कर दो, वो नई नया ज्ञान दे देगा, नई इन्वेंशन नई डिस्कवरी कर दोगे आप, इसलिए बताते चलो अपने पास मत रखो, हमेशा बताओ, तो जो जो जैसे जैसे अभी कोई गृहिणी है बहुत जबरदस्त पुलाव बनाती है, क्या ही कमाल के वो छोले बनाती है, क्या बिरयानी बनाती है, उस बहन को चाहिए, अरे बता दो सबको, कहते अच्छा मेरे को इज्जत तो इसी से मिलती मैं क्यों बताऊं, अरे बता दो खत्म करो, तुम्हें ईश्वर एक और एडिशनल ज्ञान देगा, बहने दो जीवन को, रोक दोगे आगे की जानकारी बंद हो जाएगी, इसी से हम जलते कुड़ते सड़ते हैं, स्वभाव है, जिसने स्वभाव बदलना सीख लिया वो जीवन बदल लिया। याद रखिए आपने अगर खुद को प्यार किया तो आप दुनिया को प्यार कर सकते हो, आपने अगर खुद को बदला तो आप दूसरों को बदल सकते हो, जो इंसान दूसरों को बदलने के लेक्चर देता है और खुद को बदल नहीं सकता वो दूसरा व्यक्ति उसकी एक टका नहीं सुनेगा, तो पहले खुद पे प्रयोग करो, खुद को झुका के देखो, अपने से वो काम करा के देखो जो आप ही कहते हो मैं तो करूंगा, वो चेंज टूट जाएंगी, एड ऑन होगा, विस्तार होगा जीवन का। हाँ जी, भूल गया, इज वेरी गुड, आई लव इट। हाँ जी सर, मैंने वैसे आपकी बहुत सारी वीडियो सुनी है, अरे तभी तो मेरे चक्कर में फंसे हो। तो जो कल परसों एक अपलोड हुई है ना, उसमें आप कह रहे हो कि जैसे हिंदू मल्टीपल देवताओं के चक्कर में आ रहे, आप कह रहे हो कि जैसे सिख निराकार देवता की निराकार परमात्मा की कर रहे हैं तो वेयर गुड, बट आपकी जो सनातन को जाने की वीडियोस है उसमें आपने जैसे हनुमान कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस और भी देवी को लेके भी काफी कुछ बोला, बट मैंने आपको जितना थोड़ा बहुत समझा कि आपका जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ये आ रहा है कि पूजा पाठ के ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है कि मुन्ना के साथ सेटिंग करें एंड ऑल दैट। तो जैसे रामचरितमानस की बात करें, तुलसीदास जी मतलब सबसे पहले कह रहे हैं कि वंदे वाणी विनायक को, कि वाणी विनायक की कर रहा हूँ, फिर मैं शिव पार्वती के नमस्कार करता हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ कि सीताराम जी के चरणों में मेरी वो करें,
और उन्होंने मतलब नाम जाप को लेके भी काफी बोला राइट कि कलयुग केवल नाम धारा और गुरबाणी में भी वही मैसेज आ रहा है। तो जैसे जो तो मटेरियलिस्टिक बातें होगी, जैसे आपने बोला कि कोई चौथी बास भी है तो वो ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, तो उसमें तो चलो ठीक है कि धर्म के चक्कर में नहीं भी पड़ रहे, जैसे चाइना आज की डेट में ज्यादा सक्सेसफुल है या वेस्टर्न वर्ल्ड को लेकर राइट। बट जब हम कह रहे हैं कि हमें ये जीवन मृत्यु के उससे निकलना है या हम बियॉन्ड डेथ की बात करते हैं तो स्क्रिप्चर्स में सारी बातें आती हैं, तो फिर हमें किसी ना किसी साधना के मार्ग पे चलना पड़ेगा, चाहे ध्यान के मार्ग पे चलें भक्ति के चलें राइट। तो मैं वही समझना चाह रहा था कि जैसे कोई हनुमान चालीसा जपता है या राम नाम जपता है तो दैट इज गुड और नॉट। आप पहले ये देखिए, प्रश्न सुना जी सबने सुना, ये प्रश्नों की पूरी लाइब्रेरी थी सर, अभी और भी है। ये देखो भरे कितने हुए, पूरा डाबर चवनप्राश एक किलो का डब्बा है। ये क्वेश्चन कहाँ से है इतने सारे, कितनी ज्यादा उत्सुकता है, कितना फालतू का ज्ञान घुसड़ा हुआ दिमाग आपकी वीडियो में। हाँ तो मैं तो दूंगा ना। अब इन्होंने बोला कि हमने बोला शायद पूजा पाठ जरूरी नहीं है, अगर आप इस लायक तैयार हो जाएंगे हो सकता है 5 साल बाद मैं साधना के बारे में बता दूंगा कि ये शिव की साधना करो, ये राम की कृष्ण की करो, हो सकता है इस लायक पहुंचो, कौन जानता वो करवा दे। हालांकि मुझे तो टका नहीं पता, जो बोल चुका हूं वो भी नहीं पता, पर मुझे ये पता किसको पता है तो मैं उससे पूछ लेता हूँ। मैं भी थोड़ी देर हमें भी तो बोलने हमें तो ज्यादा बोलने की आदत है वैसे। ओशो के बाद कोई मुझे इतना नॉलेजेबल इंसान मिला था वो आप। मैंने अरे मैं नॉलेजेबल नहीं हूँ और मैं इस समय उड़ जाऊंगा तो कैमरे से आउट हो जाऊंगा, इतने घमंड में कठिन हो जाता है पचाना। 3-3 घंटे की वीडियोस आपकी, हंड्रेड ऑफ वीडियोस ऑन सो मेनी टॉपिक्स। बॉस वैसे बड़ा दिमाग खराब है आज तो लगता है, दिमाग में मुक्का मार के तोड़ना। एनीवे घमंड अच्छी चीज है। आप पॉइंट समझिए कि आपके पास पहली बात प्रश्न बहुत ज्यादा है, दूसरी बात आप कहते हैं कि हनुमान कॉन्शियसनेस समझिए, वो कॉन्शियसनेस है, हनुमान की पूजा करनी है, पूजा को समझना है क्या है। जब तक आपको पता नहीं ना तब तक पूजा पाठ एक व्यर्थ की चीज है, जिसको पता उससे कराओ, कराओ ना पूजा पाठ कराओ, क्लास की हमने पूजा पाठ पे तो उससे कराओ, उसे धन दो। वो इस लायक है, पहले था जो सिद्ध ब्राह्मण थे वो करते थे, आपको सारी डॉक्टरी पता है, डॉक्टर से ऑपरेशन कराओ खुद मत करो, इतना सिंपल है। अपना ऑपरेशन खुद थोड़ी करते, हम किताब पढ़ गए, हर कोई करता है, डॉक्टर से कराओ। ऐसे ही राम के कृष्ण के देवी के मंत्र मोदी हमारा ग्रंथ है, वहां से पकड़ो ना, करो सिद्धि, योगिनी योगिनी करो, कर्ण पिशाचिनी करो, जिसकी करनी सिद्धि करो उस लायक बनो। पर गुरु तो रखो पहले, जो ये वाला गुरु है जो मंत्र तंत्र इत्यादि के द्वारा आपको सिद्ध करा सके वहां तक पहुंचो। आज जो बात है वो इसलिए कि पहले इसका स्यापा मुकाओ, टंकी खाली करो, एक जगह पहुंचो, 40 प्रश्न के 30 करो, 20 करो, 10 करो, 1 करो, फिर बोलो खत्म। बाबा नानक ने कहा निराकार स्यापा ही खत्म। आपको करना है सही देवता की करो, ऐसे बिकता है आजकल, दवाई बिकती है, सलमान खान भी बेचता है, ये लीजिए कौन सा मल्टीविटामिन पता नहीं कौन सा है, वो मल्टीविटामिन बेच रहे, खुद ना खाए भले ही, मल्टीविटामिन का सिर पैर नहीं है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम बढ़ गया तो लफड़ा है, एक सोडियम और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन होता है, आपकी बॉडी में सोडियम यदि घट गया तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन इतना होता है रात भर सुसु करते रहोगे उठ उठ के, और सोडियम बढ़ जाए तो मैग्नीशियम कम हो जाता है, सेल वाटर रिटेंशन नहीं कर पाता, आपके सिर में दर्द रहता है। अब बताओ क्या घटाओ घटाओ बढ़ाओ, एक स्पेसिफिक इलाज कराता है वो है स्पेशलिस्ट। इसलिए आपको जब तक वो समझ नहीं है तब तक इन चक्रों में मत पड़ो, ये है कार्य कहने का। पूजा पाठ से ज्यादा जरूरी ये है कि सहजता पर आना सीखो। ऐसा क्यों नहीं करते कि भगवान की कॉन्शियसनेस खुद ही बुला ले, सारे काम हम ही करें क्या, अर्जुन बन के दिखाओ कृष्ण गोद में उठा के ले जाएगा। ये सालों साल से शास्त्रों में कहा गया व्हेन यू आर रेडी द गुरु विल अपीयर, तो गुरु को धक्का खाने दो ना सारा ढूंढ के मारे। युक्तेश्वर गिरी ने स्वयं ढूंढ के मारा अपने बच्चे को कि आ बेटा, राहिड़ी महाशय ने खुद पकड़ा युक्तेश्वर गुरी को, इधर को आप। तो ऐसे शिष्य क्यों नहीं बनते कि गुरु ही पकड़ के लिए उठाए आपको। इस लायक बनने के लिए आपको ढक्कन खाली करना पड़ेगा, जब खाली हो जाओगे तब कहीं कुछ बनेगा। एक गुरु के पास आए दिन शिष्य जाया करते थे और पूछते थे कि गुरुजी मुझे सिखा दो वो सिखा दो, उन्होंने दरवाजा ही बंद कर लिया, भाई पागल कर रखा है इन्होंने सब, ये पहले इतने भरे हुए मेरे पास ही आके मुझे लेक्चर देते हैं।
तो बोला जो ठक ठक करेगा उससे पूछूंगा फिर कहूंगा आओ। तो एक शिष्य ने किया ठक ठक, बोले कौन है? बोले जी मैं फलाना। बोले जाओ दफा हो जाओ। दूसरा बोले तुम? मैं ढिमाका। फिर किसी ने तीसरा नाम। किसी दिन घूमते घुमाते कई वर्षों में एक शिष्य आया, बोले कौन है? बोले जी ये जानने के लिए तो आया हूं। बोले तू आ जा। तो उस लायक गुरु तभी तो पकड़ेगा। तो कौन आपका गुरु बनेगा वो तब जब खाली डब्बा हो। खाली डब्बे में तो डालेगा वो, इसलिए आपको पूजा करनी है कर लो, अगर कुछ मिल जाए करते रहना, नहीं तो दफा करो, पूरा जन्म कट जाएगा। बहुत सारे देवी देवता होलसेल में हमारे पास, एक आध होता तो अच्छा था। जिन्होंने निराकार की पूजा की पता नहीं उसे भी कुछ मिला नहीं मिला। अरे मिलना नहीं होता, साफ करना होता है। आप याद रखें हर प्लेट साफ है, हर व्यक्ति अच्छा है, हर प्लेटफॉर्म क्लीन है, उस पर गंदगी रखी हुई है इसलिए खराब कहते हैं। आप अच्छे भी हो, आपके अंदर जो बुराइयां किसी ने डाल दी उस वजह से वो अच्छा प्लेटफॉर्म खराब हो गया। नेगेटिव हटा दो, पॉजिटिव तो ऑलरेडी देयर। सहज तो आप हुए, सफल तो आप हुए, आपने असफलता के डब्बे रखे हुए वो हटा दो ना, सफल ही हो। कहीं नहीं जाना है स्पिरिचुअल यात्रा में, कहां जाएंगे हम स्पिरिचुअली आगे? मेरे से तो बहुत बात होती है, हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं। कहां जाओगे आगे? जलंधर जाओगे? अरेबियन सागर में जाके मरोगे? कहां जाओगे? अरे कहीं जाना नहीं है, यही मिल गया, यही स्पिरिचुअल, स्पिरिट का रिचुअल, यानी कि हमें मिल गया। कुछ पाने को है ही नहीं, पाया हुआ है। ये मुन्ना है, ये शांत नहीं होता, ये कहता और इसे और की खोज समाप्त। आपका जो मन है करो, एक दिन आएगा मन थक जाएगा, वो आपकी अगली सीढ़ी होगी। आप बोलिए कुछ पूरा कर रहे थे आप। जैसे आपने बोला पात्रता डेवलप करो कि गुरु आएगा, नहीं पात्रता डेवलप मत करो, गलत पात्रता डेवलप मत करो, खाली डब्बा बनो। पात्र तो हम है ही नहीं, पात्र हम है ही नहीं। आपको लगता है पात्र है एलन मस्क जो इस लायक है, ये वो डिसाइड करेगा, खाली डब्बे हैं ये। सर इलॉन मस्क को छोड़ो, मेरे वो आइडल है भी नहीं। मेरे आइडल जैसे कबीर जी हो गए, नानक जी हो गए, या जो अपने वो हो गए, राइट। तो अब उन्होंने भी तो कभी कुछ किया था ना, चाहे नाम जपा या खुद ने विपासना मेडिटेशन की, तो दे डिड समथिंग। कि विपासना में क्या है? विपासना में ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं। विपासना का मतलब जीरो, क्या नाम जपा कुछ भी नहीं उसमें भी जपा, बट मैं कह रहा हूँ डिफरेंट वेज है। आप एक चीज क्लियर करो, थोड़ा टाइम हमारा एग्जैक्ट हो रहा है, मैं क्लियर कर देता हूँ आपकी बात। बड़ा अच्छा प्रश्न है वैसे ही, आपको कहाँ पहुंचना है? सर मैं तो क्योंकि सर आपको लैक्स ऑफ पीपल सुनते हैं, तो अरे छोड़ो मेरी दफा करो ना। आप कुछ कहते हो उसका लोग फॉलो। अभी पहुंचा रहा हूँ ना मैं आपको, अभी पहुंचा दूंगा, कोई टेंशन कर रहे हो, कोई लंबा टाइम नहीं लगेगा। आप बताओ आपको कहाँ पहुंचना है? मतलब मेरा पर्सनल लोन ले रहे हो या क्वेश्चन से कहाँ पहुंचना? आप इस समय प्रश्न उत्तर करोगे, हम लूडो खेल रहे हैं, 99 का सांप बचाना, सांप सीढ़ी से 100 पहुंचना है, कहीं पहुंचना है आपको, क्या पहुंचना, अंत में कहां पहुंचना चाहते हो? अभी पहुंचा देता हूं ना सर, मैं अंत में ये पूछ रहा हूं कि आपका मैसेज क्या है समाप्त। मैं तो नायक हूं, मेरा कोई मैसेज नहीं, मैं करूं पार्टी करूं। सबसे कठिन है ये बात, इन चक्रों से हट जाओ, पार्टी करो, यूं टपक जाओगे, यूं पार्टी करो, मौज करो, कर सकते हो। फिर लफड़ों में फंसे हुए हैं, एक भगवान का स्यापा, एक उसका स्यापा, एक इसका लफड़ा, गंदे कर्म अच्छे कर्म, पार्टी करो। मुन्ना छोड़ेगा नहीं, दुख सुख कभी नहीं छोड़ेंगे। लोग कहते दारू पियेंगे मर जाएंगे, सांस लेते रहो मर जाओगे, रोटी खाते रहो मर जाओगे, इतनी सिगरेट पीता है तू भाई, इतनी रोटी खाता है तू, सब याद, एवरीथिंग इज हियर। आपको ये सोचना मैंने पहुंचना कहा है। कबीर ने नाम जपा, कबीर तो नलायक थे, कबीर जैसा तो योद्धा ही कोई नहीं हुआ जिसने ये दिखा दिया कि भैया मुझे कुछ चाहिए नहीं, ना मुझे कुछ आता, वो भी पा गया, कमाल हो गया यार। ये भी एक तरीका जलंधर पहुंचने का। बाबा नानक ने कह दिया साफ, भगवान नानक की चीज साफ कर दी, तलवार चला दी, उसका स्यापा ही मुका दिया, एक ओंकार। तो क्या क्या मतलब, वो सारे भगवानों के खिलाफ है, राम का नाम है, कृष्ण का नाम है, गुरु ग्रंथ साहिब में वो साफ कर दिए। उन्होंने कहा मुझे पूजो, गुरु को पूजो, मैसेज को समझो। सिख धर्म का मतलब ख, श को ख लिख बोला जाता है, सिख शिष्य है, शिष्य बनो। मैं तो खुद चक्कर में, मैं शिष्य बनने को राजी हूं, और मैं आपसे भी सीख जाऊंगा अभी, और मैं शब्द बताऊं क्या कहूंगा मैं इसमें,
मैं इतना नालायक हूं कि मैं आपसे भी सीख जाऊंगा, पर आपका चक्कर क्या, आप इतने लायक बनना चाहते हो, क्योंकि सीखने के लिए खाली होना पड़ेगा, अंदर कोई जाएगा ही, इसलिए आपकी यात्रा कहीं भी नहीं है, आप यहीं हो, ठीक हो, मस्त हो, प्रसन्न हो जाओ, मस्त हो जाओ, खुश होके दिखाओ, दिखाओ खुश होके दिखाओ, आज दिखाओ ना खुश होके, आप खुश नहीं हो, हा 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 हू ये करके दिखाओ, आओ नाचोगे मेरे साथ, नाच के दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये है आनंद। सारे के सारे जो बैजू बाबरा बने हैं ना, चैतन्य महाप्रभु बने, वो हरे कृष्ण करते हैं, पागल हो गए, शुरू में कहते थे पागल है सड़क पे नाचता, मीरा को बोलो बाबरी है, ये बन के दिखाओ, ये सांख्य दर्शन वगैरह सब तेल लेने गए, भक्ति मार्ग में ही उठा देते हैं, कृष्ण ने उसका भी बात कही है। सर मैं वही तो कह रहा था कि जो नाम जपने वाली बात है उनकी स्टार्टिंग हुई थी कहीं से, राइट, कि तो आप कह रहे हो कि ये नहीं है जरूरत, कोई जरूरत नहीं है, आप इस पर हमारी क्लास है अजपा जप, आप जो नाम जप कर रहे हो, जो क्यों कर रहे हो, इस पे क्लास है, क्यों, इसलिए, किस लिए, फिर मुन्ना का जाल है, ये सब मैट्रिक्स है, मुन्ना का जाल है, बहुत भारी कीमत देनी पड़ती है हमें इसकी, वो फंसा के रखता है। आप गलत नहीं कह रहे हो, आप जो कह रहे हो बड़ा रेवोल्यूशनरी बात है, सारा खेल यह है कि अभी भी उसी में फंसे हो, इसको नाली में फेंक दो, मोक्ष वोक्ष ये स्याप पे फेंक दो, इससे कुछ नहीं होगा। आज आपको इतने लोग मिलेंगे जो पास्ट लाइफ में आप क्या कर रहे थे बता देंगे, ऐसे लोग बताएंगे जो ये बता देंगे जन्म में क्या कर रहे हो, कौन सी जगह कहाँ क्या तिल है, हमारी कोई वजूद ही नहीं है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। खुश होना सीखो, खुश होना, आप बच्चे थे कभी कि नहीं थे, थे कि नहीं, तो बच्चे बन के दिखाओ, बच्चे बन के दिखाओ, सिर्फ डॉक्टर के पास लाइसेंस होना चाहिए ये कहने के लिए ही इज वेरी सीरियस, बाकी सब ये कहे पागल है साला, दिमाग खराब है इसका, और सब जलेंगे आपसे, हम ऐसे क्यों नहीं है यार, ऐसे मस्त हम क्यों नहीं है साले, हंसते हंसते मर जाए, ये सी कहां कबीर नाना कोशो, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां ये, मैं तो बड़ी बावली बातें करता हूँ, रॉ में बकता जाता हूँ, इसलिए मैं पसंद आता हूँ, मुझे पता है मेरे को अच्छा लगता हूँ, क्योंकि मुझे मैं बहुत अच्छा खुद को भी लगता हूँ। आपको खुद को अच्छा लगाना है, आपको खुद अच्छे लगे आप, ये सीखो। अब भाड़ में गए कबीर शबीर, भाड़ में गए सारे, बहुत अच्छे थे, हम बहुत अच्छे, ये बनो। आनंद कब करोगे, आनंद करने वाला इंसान कौन होता है, पागल होता है, पागल बनो। अजपा जप, अंदर क्या चल रहा है, क्लास देखो इस पे अजपा जप, आपके अंदर जो वाइब्रेशंस चल रही है ना, वो किस हर्ट्स की है, इस पर क्लास है, साइंटिफिक है, देखो आपको समझ आएगा। सर आनंद भी तब तक नहीं होगा जब तक वो अंदर चित क्लीन नहीं हुआ, चित क्लीन नहीं हो सकता, इस पे हमने शिव की क्लास की हुई, 16 टुकड़े काटे 12 हिस्से चित के, चित क्लीन हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। देखो चित वाली क्लास देखो, बहुत सुंदर है, शिवरात्रि की क्लास में शायद बात की है हमने चित्त की, अंक मन बुद्धि चित्त अहंकार, चित्त क्लीन नहीं हो सकता, चित्त तो वो मैंने इम्प्रिंट्स है जो कई जन्मों के चलेंगे, इसके ऊपर तो अगर हम बात करेंगे तो एक घंटे की अभी हमारे को एनलाइटनमेंट के ऊपर बोलना पड़ेगा, वैंकूवर में करते हैं एनलाइटनमेंट, देखो जरूर देखना, क्योंकि वहां पे क्लास का टॉपिक सब ढूंढ रहे हैं, आपको बहुत धन्यवाद है आपने हमें नया टॉपिक दे दिया, क्योंकि जो चित्त क्लीननेस की बात की है एनलाइटनमेंट इसी का नाम, एनलाइटेंड हो गया, ज्ञान हो। कोई भारी प्रश्न बचा है जी तो ले ले लास्ट, और नहीं तो नमस्ते ले लेते सर, लास्ट क्वेश्चन ले लें सर। लॉलीपॉप और मैनिफेस्टेशन में डिफरेंस कैसे पता करें? लॉलीपॉप और मैनिफेस्टेशन में डिफरेंस कैसे पता करें? दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, कुछ नहीं है इसके अलावा, ये सारी दुनिया मैनिफेस्टेशन के चक्कर में लगी हुई है। मजे की बात, सुंदर प्रश्न है, इसको हम रूप बदल देते हैं। सब कहते हैं मैं मैनिफेस्ट, आजकल बहुत बिक रहा है, मजेदार चीज है, स्वाद है बड़ा, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ये लीजिए फेयर एंड लवली, इसको लगा के काला भी सफेद हो जाएगा, कितनी बिकती है वो, कैसे काला बंदा सफेद हो जाएगा साला, बिक रहा है, बड़ी अजीब कहानी है। अगर आज हम ये कहें ना कि ये वाली जड़ी बूटी है इसको खाने से शुगर ठीक हो जाए, अंधे पागलों की तरह लोग दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि सपने बहुत बढ़िया जल्दी बिकते हैं। लॉलीपॉप और मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन हो सकती है, ये भी एक लॉलीपॉप है, ये भी एक लॉलीपॉप है। अगर ऐसा कुछ होता, बताने वाले व्यक्ति कहते कि मैं मैनिफेस्ट करना सिखाता हूं, तो वो सिखाते क्यों, वो मैनिफेस्ट कर करा के खुद ही मजे लेते, ये लॉजिक कोई नहीं समझता, ये वो बंगाली बाबा की तरह है,
हर गली मोहल्ले में बंगाली बाबा की दुकान चल रही है, लेकिन एक भी बंगाली बाबा विपक्ष को नहीं मिला जिसके पास जाके बंगाली बाबा को पैसे देते और प्रधानमंत्री बन जाते, या बंगाली बाबा खुद ही बन जाता लेकिन फिर भी बंगाली बाबा की दुकान चल रही है, क्योंकि लोग कहते हैं सपने बड़े सुंदर है। मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूं, ये भी एक लॉलीपॉप है। मैनिफेस्ट वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो कोई है वो, क्योंकि कईयों की कराई है उसने मैनिफेस्टेशन। हम बात करते हैं उसे पकड़ो, उसे जानो, उससे मांगो, उसे ढूंढो, वो कॉस्मोस है। अगर उससे आपने कनेक्शन डाल लिया वो आपके लिए मैनिफेस्ट करेगा, आप नहीं कर सकते, आपके लिए वो करके देगा, आपके लिए कृष्ण करके देगा। अर्जुन बन जाओ, मैनिफेस्ट हो जाएगा। पर मजे की बात, जब आपको कृष्ण मिल जाएगा ना, जब इस लेवल पर आपकी खोपड़ी बन जाएगी, आपको मन ही नहीं करेगा, आप कहोगे क्या रखा है यार, ये इतनी बड़ी चीज मिल गई, क्या रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए लॉलीपॉप भी मन का खेला है, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये भी मन का खेला। भाग्य में लिखा होगा तो मिलेगा, उखाड़ के दिखाओ। आई भी बहुत जरूरी है, उसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, हम जी ना पाएंगे, इसलिए वो भी एक अलग कहानी है। पर चलो, सुंदर बात यह है कि हम ये सब चर्चाएं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कहीं कुछ हिल रहा है खोपड़ी में, कहीं कुछ हल्का सा बटन दब रहा है, ये प्रोसेस है। रोज की एक घंटा स्विमिंग करिए, बॉडी खुल जाती है। रोज एक घंटा कोई सत्संग करिए, दिमाग खुलने लगता है। बहुत भारी परतें हैं, धीरे धीरे खुलती हैं, खुल जाएंगी। एक दिन दिमाग पे अटैक होगा और मुन्ना खुद को बदलेगा और हमारी लाइफ खुशियों भरी होगी। इसका सस्ता सौदा बता देता हूँ, हमारी लाइफ में कम दुखी होंगे। मुझे आज ही एक बालक मिला जिससे मैंने बोला, बेटा पहले से कम दुखी हो? तो खूब हंसा, बोले हाँ जी, अब मैं समझ गया हूँ कि मैं सुखी होने के जो पागलपन में फंसा था वो मूर्खता थी, पर पक्की गारंटी है मैं पहले से कम दुखी हूँ, यही सुख है। इसलिए कम से कम दुखी होने की लड़ाई करो, लालच का अंत नहीं होगा। पाप पुण्य कुछ नहीं होता सर, फिर से पाप पुण्य कुछ नहीं होता, अगर कोई कदम ऐसे होते हैं तो प्रारब्ध फिर से निकल जाता है। यार इस पे एंड करना पड़ेगा, पर ये बताना पड़ेगा, मुझे अंदर से राल टपक रही है। इन्होंने पूछा है कि पाप पुण्य कुछ नहीं होता तो प्रारब्ध का क्या खेल है, कि भाई पाप किया, अब इन्होंने एक पाप किया मान लो, बड़े प्यारे डायलॉग है, इस पे खत्म करेंगे हम, कि इनसे कोई पाप हो गया, क्यों है, क्योंकि इनके पास ये शिक्षा दी गई है कि ये पाप है। एक व्यक्ति बकरा काट के खाता है, उसको बताएगा ये पाप नहीं है, तो उसने कोई पाप नहीं किया, इनको बताएगा बकरा काट के खाओगे पाप है, तो इनसे पाप हुआ, तो पाप होता क्या है? पाप वो होता है जैसा हम जो फील करें। तो आपने क्या करना है, अगली बार बकरा काटना है, कुछ भी काटना है, लोग बंदे काटते हैं, आपने अपने दोस्त को धोखे दिए होंगे, वो बकरा ही काटा है, आपने पापा के पर्स से पैसे चुराए होंगे, वो थोड़ा पर्सनल बकरा काटा है, बकरे सब काटते हैं। अब जो बकरा काटा आपने, चोरी करी, एग्जाम्पल दे रहा हूं, पाप खत्म हो गए, मुल्ला मुन्ना ने किया, मैंने किए, शुरू करो इसको, यह अभ्यास आपको साधक बना देगा। आपसे गलती हो गई, एक्सीडेंट हो गया किसी का, बोलो यार ये मुन्ना ने क्या करा दिया, मैंने तो ब्लेम लेना ही नहीं, पाप हुआ ही नहीं। अर्जुन ने गीता में क्या बोला है, हमारी बाइबल है, कुरान है, गीता है, वो कहीं आगे की चीज है, वो उसमें दर्शन के बारे में बात है। वो कहता है प्रभु मैं इनको मार दूंगा, तो बोले तूने मारा ही नहीं, सब मैंने मार रखे, वो यार एंड फ्री हो गए। कृष्ण जी खुद कह रहे हैं तू किसी को मारने वाला है ही नहीं, तो हम पागल है क्या? सीधा बोलो कृष्ण ने मरवाया, ऐसा कह लो, अगर पसंद ज्यादा टेस्टी कृष्ण लगता है तो वो बोल लो, हम तो मुन्ना बोलते हैं, जो पसंद है वो बोल लो, सीधा बोलो मुन्ना ने मरवाया, कमाई हो गई, मुन्ना ने करवाई, बीच में से हट जाओ, ना पाप होगा ना पुण्य, आपको एक की भी सजा नहीं मिलेगी। कैसे मुक्त हो गया अर्जुन पाप पुण्य से? हे अर्जुन तेरे सारे पाप मैं क्षमा करता हूँ, कमाल हो गया, परीक्षित को जिंदा कर दिया वापस। यार ये मजाक नहीं है, सत्य है, बड़ा आसान है पाप पुण्य धोना, मैंने करी, आपके अंदर वो वाइब्रेशन ही ऑन नहीं होता। हमारा मेमोरी बैंक होता है हिप्पोकैम्पस, उसमें वो जाता नहीं, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लंबी हो जाएगी। तो मतलब एस्केप कर दिया, एस्केप नहीं कर रहे हम, हमने उसका कारण बनाया मुन्ना को, मुन्ना ने कराया, मुन्ना अगली बार करने नहीं देगा, देखना आपके बस की नहीं होगी, ये मुन्ना कराता है, ये प्रारंभ है, हम कोई नहीं है करने वाले, खुद को बीच में से हटाओ। आपके जीवन में आनंद जैसी चीज कोई है ही नहीं, आप सच में ऑलरेडी आनंद में हो, उस आनंद के ऊपर परतें डली हुई है टेंशन क्लेश क्रोध अहंकार बहस और गुस्से की, एक एक हटती जाएगी, आपको लगेगा पता हम तो आनंद में ही है,
एक ट्रे साफ ही है उसके ऊपर चार कप रखे हैं आपने, कप हटाते जाओ ट्रे साफ ही है, तो जब रखी है तब भी वो ट्रे साफ है, हमने उस पे कचरा रखा है। हर रिश्ता सुंदर है उसमें हमने कचरे रखे, कचरे हटाते जाओ, रिश्ते को गाली मत रखो। कमी हम में है, कमी उसमें, क्या रखा है, कमी है तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, उसको बोलो ठीक करे, दूसरा करके देगा। कोई जिंदा पसंद नहीं आ रहा तो उसको बोलो कॉस्मोस को, वो तुम्हें जिंदा व्यक्ति ला के देगा कि इसके थ्रू कर, नहीं तो जीवन में घटना या दुर्घटना देगा उसके थ्रू सीखोगे। सीखते चलो, शिष्य सिख बनो, वाहेगुरु का यही तो मैसेज है, सिख बनो, सीखो। कबीर ने यही तो कहा है, राम और कृष्ण की बात है, ये एंडलेस है। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी, सब जुड़े हुए लोगों को नमस्कार प्रणाम, आए हुए लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद आ गया, आपकी कृपा से बहुत कुछ सीखा मैंने भी, ऐसा ही सत्संग लगा रहा है, कृपा प्रणाम नमस्कार।